बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अरसलान अंसारी एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट्स क्या होता है और किस तरीके से प्रेसिडेंट्स के अगेंस्ट या प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हुए हम किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करते हैं। तो हमने इससे पहले अरिथमेटिक की डेफिनेशन पढ़ी थी और अलजेब्रा की भी डेफिनेशन पढ़ी थी, एक्सप्रेशंस की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम देखते हैं इक्वेशन क्या है। बेसिकली ये प्रायोरिटी लेवल होता है। अब प्रायोरिटी क्या होती है कि कोई भी आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, लाइक जैसे इसमें एडिशन का भी साइन है और डिवीजन का भी साइन है, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर सबसे पहले ये देखना है कि प्रायोरिटी में किसको सबसे पहले सॉल्व करना है, डिवीजन को या एडिशन को। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। इट इज द प्रायोरिटी दैट इज फॉलोड व्हाइल अप्लाइंग दीज ऑपरेशन। जब आप इन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, एक ही इक्वेशन में दो से तीन ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, किसको प्रायोरिटी देनी है, वो हम इसमें सीखेंगे। ये हमारे सामने टेबल है, ये हमारे पास प्रायोरिटीज हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये ऑपरेटर्स के नाम हैं। पहला ऑपरेटर होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ये इसका सिंबल है। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन है। ये हमारे पास मॉड है, ये मॉड का सिंबल होता है। इसी तरीके से ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो ये उसके साइन आपके सामने हैं। तो अगर कोई ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है जिसके अंदर इन सारे ऑपरेशंस में से कोई से तीन, चार या सारे ही आ जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम उस एक्सप्रेशन के अंदर ये देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल का साइन किधर है, यानी कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर किधर है। हम उस एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को सॉल्व आउट करेंगे, देन हम उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन को देखेंगे, देन हम उसमें मॉड को देखेंगे, देन हम उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखेंगे। सिमिलरली यहां मैंने कुछ इसी से रेलेवेंट दो एग्जांपल्स की हैं। अब हम उसको देखते हैं कि उसने कहा कि सॉल्व, यानी आपके बुक में एग्जांपल नंबर 1 है, ये पेज नंबर 111 पर मौजूद है। एग्जांपल नंबर 1 में उसने कहा सॉल्व द एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या दिया उसने, x plus y over 10। अब उसने कहा कि वेयर x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 50 है। x plus y over 10, x की वैल्यू क्या है 30 हमें गिवन है, y की वैल्यू क्या है 50 हमें गिवन है, डिवाइडेड बाय 10। तो रूल के मुताबिक अगर हम यहां देखें कि पहले एडिशन आ रही है या पहले डिवीजन आ रही है या एडिशन, तो अगर हम प्रायोरिटी देखें तो डिवीजन सेकंड प्रायोरिटी पे है और एडिशन फोर्थ प्रायोरिटी पे है। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 आंसर आ गया 5। ऑलरेडी यहां पे 30 था, 30 प्लस 5 35 इसका आंसर आ गया। सिमिलरली अब हम चलते हैं दूसरी एक्सप्रेशन की तरफ। तो वो हमारे पास ये एक्सप्रेशन थी, उसने आपको a की वैल्यू 20 दी है, b की वैल्यू 30 दी है और एक्सप्रेशन है कि a plus b multiply by b डिवाइडेड बाय 10। अब मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर हम इस मल्टीप्लाई के साइन को स्टेरिक पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो अब रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम किस चीज को सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने का तरीका देख लें। वो ये है कि अब क्योंकि इसमें तीन चीजें आ गई, डिवीजन भी आ गई है, मल्टीप्लिकेशन भी आ गई है और एडिशन भी आ गई है, तो अगर इस तरीके से कंडीशन आ जाए तो उसमें हम सबसे पहले एडिशन करते हैं, यानी कि 20 प्लस 30। तो आपने 20 प्लस 30 किया, आंसर क्या आ गया 50, तो स्टेरिक का साइन 30 डिवाइडेड बाय 10। अब आप इन दोनों में सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आ गया आपके पास 50 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, 1500 आ गया डिवाइडेड बाय 30, तो आपके पास जो टोटल आंसर आ गया वो आ गया 150। तो ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया है इस प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि इन प्रायोरिटी लेवल्स के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपकी बुक में पेज नंबर 112 के ऊपर भी लिखा हुआ है एक टॉपिक जो हमने पहले भी पढ़ा, लेकिन अभी हम दोबारा देख लेते हैं कि व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, एन ऑपरेटर व्हिच इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर हम किसे कहते हैं कि अगर आप
किसी वेरिएबल के अगेंस्ट कोई भी एक वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि ये जो वेरिएबल है ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बुक में उसने एग्जांपल लिखी है a इज इक्वल टू 5, या हम यहाँ देख लें लिखा हुआ x इज इक्वल टू 30, इसका मतलब ये इज इक्वल टू क्या है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपके लेवल ऑफ प्रेसिडेंस काम करते हैं, और फिर हमने दो एग्जांपल्स की हैं। सिमिलरली आपकी बुक में भी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, आप उन एग्जांपल्स को भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं और उसको कर सकते हैं। अगर आज के इस टॉपिक में से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।